बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सबने सुना है, सरकार की एक मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार किस तरह से इस पे काम कर रही है कि लोगों के साथ घरों में महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाते हैं, वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस सोई हुई रहती है, कंट्रोल रूम में फोन करने के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती और जो अपराधी है वारदात वो है वो अंजाम दे जाते नहीं। मेरे को मैं बोलते खाना कुछ खिला तो लाके नहीं देते थे। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं आज यहीं मर जाऊं। मुझे तो घर से बाहर निकलना, टैक्सी लेकर बाहर निकल जाओ, जाओ तुम्हारे घर में जगह नहीं है। तेज तेज मार किया कि मेरे सारा सिर सूज गया। पंजाब पुलिस क्यों नहीं आती? जब कोई मर जाएगी उसके बाद आएगी, और जब उसका नहीं चला उसकी बेटी का सिर पकड़ के जोर जोर से मारा। हो सकता है यही वाली बात हो इसलिए पुलिस नहीं आई। और देवेंद्र ने आया लेने और मेरे को उसी पर पूरा शक है। तो इसी तरह से हमारे साथ आज चंडीगढ़ सेक्टर 45 की शिवाली जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज वो मीडिया के सामने क्यों आई हैं, क्या कुछ मुद्दा रहा है और उनके साथ क्या अनहोनी हुई है। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं। जी, मेरा नाम शिवाली है और अभी जो 11 अगस्त 2024 को मेरे हस्बैंड अंकुर गर्ग ने मेरे साथ मारपिटाई की, जानलेवा हमला किया है उसने। मेरे पेरेंट्स मुझे बचाने के लिए आए लेकिन पुलिस बचाने के लिए नहीं आ पाई। वो कभी सारा दिन उनको फ़ोन किया गया, कंट्रोल रूम तक फ़ोन गया है लेकिन कोई पुलिस मुझे बचाने के लिए नहीं आई। मेरे पेरेंट्स यहाँ, मेरे जो मायका है सेक्टर 45 में, वहाँ से मेरे घर का रास्ता आधे घंटे का रास्ता है। आधे घंटे में मेरे पेरेंट्स मुझे बचाने के लिए पहुँच गए लेकिन पुलिस नहीं पहुँची। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी जानलेवा हमला किया, चाकू से वार किया। जब चाकू उसकी नहीं चली, पिताजी ने उसे पकड़ लिया तो उसने अपने आप को चाकू से घसीटना शुरू कर दिया, अपने आप के निशान पाने शुरू कर दिया और कहता है कि अब मैं तुम्हें फंसाऊंगा, ना तो पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी ना ही कोई कुछ मेरा बिगाड़ पाएगा। और ये चीज हमने कंट्रोल रूम में फोन करके भी बोली, तो कंट्रोल रूम ने हमारी कंप्लेंट बार बार लिखी है लेकिन कंट्रोल रूम से भी कोई पुलिस नहीं आई हमें बचाने के लिए। ठीक है, और उसने मेरी मदर पे, मेरे ऊपर इतना जोर जोर से सिर से अटैक किया है ना, और उसके बावजूद हमें कोई भी सुरक्षा नहीं मिली पुलिस की तरफ से। हमने पुलिस में फोन करके इतनी बार बताया और रात को भी हमने कॉल किया, रात को 12 बजे के आसपास भी कॉल किया, तो वो कहते हैं पुलिस हमारे पास तो आपकी कोई कंप्लेंट आई नहीं है, कोई कॉल रिकॉर्ड ही नहीं है आपका। तो इतनी बड़ी बात हो गई और पुलिस आई नहीं, वरना पुलिस तो भाग भाग के आती है। इतना बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, फ्रेमिंग करने की कोशिश की गई है हमें, तो अगर वो हमें फ्रेम कर रहा है और पुलिस को पहले से बताया जा रहा है फिर भी पुलिस नहीं आ रही है, ऐसा क्या चक्कर हो सकता है, क्या बात है? हो सकता है यही वाली बात हो इसलिए पुलिस नहीं आई। और ऊपर से हम 12 तारीख को मेरे फादर बाई हैंड कंप्लेंट देने गए, फिर भी पुलिस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टा हमें ही अंदर करने को बोलता है। क्या आखिर क्या बात हो सकती है? यही वाली बात हो सकती है, यही वाली, इसलिए पुलिस नहीं आई है। और अभी भी हमें, मैं ऊपर ऊपर तक वो आई हूँ, मैं डीजीपी में मिलाई हूँ, डीआईजी मैडम पे मिलाई हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में भी जा रही हूँ, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सब लोग नीचे नीचे कंप्लेंट को भेज देते हैं और वो लोग कंप्लेंट को ऐसे ही रफे दफे कर देते हैं। जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाले डीएसपी हैं वो सर मुझे कहते हैं पुलिस आपके खिलाफ, आपके ही काम के लिए थोड़ी बैठी है। तो आप ये बताइए कि पुलिस इस तरह से बोल सकती है क्या? पुलिस हमारी रक्षा के लिए नहीं है, पुलिस के पास सिर्फ अपने ही काम है। पीसीआर भी घूमती रहती है आसपास, ठीक है, और मेरे घर से आधे किलोमीटर पे ही पुलिस स्टेशन था, फिर भी पुलिस नहीं आई। मैंने उनसे सवाल किए, सबने इग्नोर किया, किसी ने नहीं देखा, ठीक है। और ये चीज मेरी मदर ने फोन में रिकॉर्ड किया, ठीक है, और मेरे हस्बैंड अंकुर गर्ग ने पुलिस को इशारा करके वो फोन छिनवाया जबरदस्ती और वो वीडियो डिलीट करवाया। अब ये बताइए, अब पुलिस गलत थी ना, तभी तो उन्होंने करवाया ये सब, तभी गलत करवाया, तो इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे हो रही है मेरे साथ? अब पुलिस प्रशासन इसका जवाब भी नहीं दे पा रही है। मैं इतनी जगह भाग दौड़ के मैं थक चुकी हूँ, अब पुलिस प्रशासन कोई मेरा जवाब नहीं दे रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से, मेरी पुलिस सारी प्रशासन से यही विनती है कि इस मामले की तह तक जांच की जाए। और इतनी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी की है मेरे हस्बैंड ने, अंकुर गर्ग ने। लेकिन शिवाली जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगी, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी अभी रिसेंटली हुई है, कब हुई है आपकी शादी, और ये जो एक्टिविटी हो रही है जो आपके हस्बैंड आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये रीजन क्या है इसका?
हमारी शादी हुई थी 2020 में, 1 फरवरी 2020 में। ये कोविड टाइम से कुछ महीने पहले का है, तो कोविड टाइम स्टार्ट हो गया था। 3 महीने बाद से ही इनके परिवार वालों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था, और इनकी मेन डिमांड थी इनके दहेज की, जिसमें मेरे फादर ने मेरे अकाउंट में पैसे भी डाले थे। उसने बाय ब्लैंक चेक मेरे से साइन करवा के लिया था, और अपने पता नहीं किस अकाउंट में डाला है, कहाँ डाला है वो मुझे नहीं पता। तो इनकी डिमांड है हमेशा के लिए, और बार बार मुझसे मांगता रहता है कि कभी लैपटॉप दिलवा दे, फोन दिलवा दे, इतने रुपए कह दे अपने पिताजी से। मैंने आज तक अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं ये चीज। इसी बात से उसने खून तक खा के बार बार मेरे को उसने तंग और परेशान किया है, और उसने मुझे इतनी सेक्सुअल हैरेसमेंट भी दी है। और उसकी बात अगर जब मैंने उसकी कुछ नहीं सुनी ना सही, तो मुझे थप्पड़ लगाने शुरू करे हैं। उसने इतनी ज्यादा बदतमीजी करता था, और बच्चे को भी उसने मारा है, बच्चे को भी नहीं छोड़ता है। जब आपके साथ ये इतना कुछ हो रहा था, तो उस समय आपने कंप्लेंट कहाँ दी? 2020 में, जैसा कि आप बता रही हैं कि मेरी मैरिज हुई थी फरवरी में, और उसके 3 महीने बाद से ये सब कुछ चल रहा है, तो अभी 4 साल हो चुके हैं। आपने उससे पहले क्या कंप्लेंट दी, उसका क्या रिजल्ट आया, कुछ हुआ उससे? जी, मैंने पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने दिल्ली में कंप्लेंट डाली थी, तो वहाँ पे हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग का ही हुआ, क्योंकि मेरा बेबी हो गया था उस समय, तो बेबी की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुआ था। और दूसरी बार इसने रुड़की में मेरे साथ मार पिटाई की थी, तब मैंने यहाँ पे आकर अपने मदर के पास आके कंप्लेंट डाली थी, जहाँ पे हमारा कुछ शर्तों के ऊपर साइन करके हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिसमें कि उसको शादी रजिस्टर भी करानी थी, मेरा स्त्री धन मुझे वापस देना था, ठीक है, गाली गलौच नहीं करनी है, इस तरह से कुछ शर्तें हुई थी हमारी। तो उसने कुछ भी पूरा नहीं किया। वो मैंने दोबारा रीओपन भी करवाया अभी सेक्टर 17 में, वुमेन सेल में। तो चंडीगढ़ पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन पंजाब पुलिस को क्या हुआ है, वो क्यों नहीं आई मुझे बचाने के लिए, और अब तक क्यों घुमा रही है, अब तक क्यों नहीं करा उन्होंने कोई कार्रवाई शुरू? तो चंडीगढ़ पुलिस में जो आपको वुमेन सेल में केस अभी रनिंग है, वहां से क्या कुछ हो रहा है अभी? वहां पे अभी पहली काउंसलिंग हुई है, तो उसमें अंकुर गर्ग ने मेरी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की है, मेरी वाइफ ने मार पिटाई की है। तो अब आप ये बताइए कि मेरे हाथ में कितनी ताकत हो सकती है, और उसके हाथ में कितनी ताकत हो सकती है? वो मेरे साथ मार पिटाई कर सकता है कि मैं उसके साथ मार पिटाई कर सकती हूँ? और मेरे बूढ़े माँ बाप जो है वो उसको पीट सकते हैं कि वो हम तीनों को पीट सकता है? जरा आप देख सकते हैं, आप कभी उससे मिलेंगे आपको पता चल जाएगा उसके हाथ में कितनी जान है और मेरे हाथ में कितनी जान है, और बूढ़ी हड्डियों में कितनी जान होती है वो भी आपको पता होगा सबको। तो अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन से ये कहना चाहूंगी कि इतनी बड़ी बात हो गई, अभी भी प्रशासन चुप बैठी है, पुलिस मुझे घुमा रही है, तो इस बात का स्ट्रिक्ट कड़े से कड़े जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्यों हुआ ऐसे। सबसे पहले तो पुलिस को जवाब देना चाहिए कि वो क्यों नहीं पहुंची है मदद के लिए, जब उन्हें बताया गया कि ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, एविडेंस टेम्पर हो जाएगा, और उनके ना आने की वजह से उसने ताला तोड़ के एविडेंस टेम्पर किया। अंकुर के माता पिता रादौर में रहते हैं, यमुनानगर के पास। उनको भी मालूम है, और हमेशा ये अपने माता पिता से, इनके मौसा जी है ना, और इसके बहन जीजा वगैरह सबसे ये लोग बात करते रहते हैं आपस में। मेरे को तो अलग ही रखे हमेशा, जब मैं इनके पास कोविड टाइम में भी थी, तो अलग कमरे में बंद होके खुद से अपना डिसीजन करते थे, जो भी बात करना होता था डिस्कशन, और मैं अलग बैठी होती थी। इस तरह से इन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया, शुरू से इन्होंने मुझे कोई नहीं अपनाया। आपको भी बताया कि अगर मछली को आप अपने घर में लाते हैं, तो आपको उसकी सराउंडिंग्स बनानी पड़ेगी, उसके लिए पानी लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसका खाना लाना पड़ेगा उसके टाइप का, नहीं तो वो मर जाएगी, शी विल नॉट सर्वाइव। सो ऐसे ही केस मेरे साथ हुआ है, उन्होंने मेरे लिए कोई भी इस तरह का सीन क्रिएट नहीं किया है। ऊपर से मेरे को प्रेगनेंसी में भी उन्होंने खाने पीने तक के लिए तरसाया है, और रात को 11 बजे भी उन्होंने मुझे बाहर निकाला था, जिसके चलते मेरे पेरेंट्स ने कोविड टाइम में चंडीगढ़ कंट्रोल रूम से पुलिस भेजी थी, तब ये लोग मेरे सामने हाथ पैर जोड़े थे। तो इतनी बड़ी बात है, और अभी दो केस ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं हमारे, तो तीसरी बार इसने इतनी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी की है और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है भाई। एक असहाय लड़की और उसके बुरे माँ बाप किस तरह से उसके ऊपर वार कर सकते हैं, और इतनी बड़ी फ्रेमिंग कर रहा है वो, पुलिस नहीं पहुंच रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं पहुंची पुलिस? आपको क्या लगता है ऐसा कौन सी बात है, कौन सा मुद्दा है जिससे वो आपको अपने आप से दूर करना चाहता है, आपको क्या लगता है? हो सकता है उसका कोई अफेयर हो, और उसके मौसा ने मुझे फोन पे भी बोला था, उसकी कोई पहली पत्नी भी है, तो मेरे पास उसका सबूत नहीं है कोई, लेकिन इसलिए पुलिस को जांच करनी चाहिए।
लेकिन इतना बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी है, मैं ये सोच के हैरान हूँ कि पुलिस क्यों नहीं पहुंची। पुलिस तो भाग भाग के आती है। आपकी ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। तो अरेंज मैरिज में तो परिवार सब मिलकर इसी का डिसीजन लेते हैं, तो क्या आपको अंकुर के बारे में पहले से मालूम नहीं था कि इस तरह सभी है? अब ये मेरे फादर के जानने वाले ने बोला था कि ये बहुत अच्छी फैमिली है, तो आप आँख बंद करके इनके साथ रिश्ता कर सकते हो। लेकिन 3 महीने बाद ही मुझे इनके रंग रूप दिखने शुरू हो गए थे। कब आप प्रेग्नेंट थे? जी। अंकुर इस वक्त क्या काम करते हैं? वो CGC झुंझेरी में पढ़ाता है। कब से कर रहे हैं जॉब? ये जुलाई से 22 जुलाई से। 22 जुलाई से जॉब पे लगे हैं? हाँ, 2024 से जॉब पे लगे हैं। हाँ हाँ, इससे पहले ये रुड़की में थे। रुड़की में भी मुझे झूठ बोल के लेके गए थे कि इनकी जॉब लगी है रुड़की IIT में। पता चला कि वो पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं। मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि अब हद से पार हो चुका है जो भी मामला है। अब मैं उनको कोई माफी नहीं देना चाहूंगी, अपने हस्बैंड को, उसकी फैमिली को, और वो चाहे जितना मर्जी गिड़गिड़ा ले, जितना मर्जी मेरे सामने हाथ जोड़ ले, लेकिन मैं उनको माफी नहीं दूंगी। मेरे बच्चे की भी हालत उनकी वजह से है, उनको सारा हर्जाना देना पड़ेगा। बच्चे का पूरा जिंदगी पड़ी है, अभी उसका खर्चा भी वही उठाएगा, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, ना मेरा बच्चा उसके साथ रहेगा, नहीं तो हमारी जिंदगी और खराब हो जाएगी। और पंजाब पुलिस से मैं ये कहना चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो आप लोग इतना लेट कर रहे हो ना, सबसे पहले तो मुझे जवाब दें कि आप लोग मेरे को बचाने के लिए क्यों नहीं पहुंच पाए, और इसके बाद आपने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, और गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त है कि सही से सही न्याय दिलाया जाए मुझे, और इस पूरे मामले की जांच की जाए। पुलिस क्यों नहीं पहुंची? ये सारी प्री प्लानिंग थी पहले से, ऐसा समझ में आता है। प्री प्लानिंग थी, पुलिस भी मिली हुई है सारी, और सारा मामला ब्राइब का है। तो इस मामले की जांच की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए।